हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कलर फोन कॉल स्क्रीन थीम एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, एक तरीका ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम अपने जब भी हमको कोई कॉल करता है तो हमारा जो थीम नॉर्मल सा थीम शो करता है उसको हम थोड़ा अलग सा कूल सा थीम बना सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह का थीम यूज़ कर आ सकता है। जब भी आपको फ़ोन आएगा तो कुछ ऐसा शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये सब सेट कर सकते हैं। देखिए, इतना कूल कूल सा थीम आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, 4.3 की रेटिंग मिली हुई है। अगर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर एक ऐड आ जाएगा, ऐड को कट करेंगे। ऐड को कट करने तक हमको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ऐड फिनिश होने वाला है। जैसे ही ऐड फिनिश होगा हम ऐड को कट करेंगे। लेकिन इस तरह के जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता होगा वो बहुत सारे ऐड दिखाते होंगे, आपने ध्यान दिया होगा। तो अभी हम ऐड कट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम आ चुके हैं, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर कह रहा है कि आपको सबसे अच्छा कैटेगरी कौन सा चाहिए, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं कूल सा कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स गो पे स्टार्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे कैटेगरी आपको यहाँ पर शो करेंगे। ये है कैटेगरी, आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के हैं, जैसे एनिमी है, लव है, नियॉन है, गेम लॉल है, गर्ल है, एआई जनरेटर है, ठीक है, कैरेक्टर है। तो ऐसे करके बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आप इनमें से जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक करिए इस तरह से। अब उसके बाद कैटेगरी में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको थीम दिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बहुत सारे थीम दिखेंगे, थीम को सिलेक्ट करना है आपको। जब तक यहाँ पर लोडिंग ले, थोड़ा सा हम वेट करना पड़ेगा, हमको लग रहा है थोड़ा लोडिंग ले ले। तो पहले तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे थीम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इनमें से जो भी थीम चाहिए आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे मान लो ये थीम चाहिए मुझे, तो हम इस पर क्लिक कर दिए। और यहाँ पर देखिए ऐड आया, ऐड को कट करेंगे हम लोग। अब ऐड को कट करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी फिर से ऐड को कट करने का देगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करिएगा। अब ये कह रहा है कि आप इसको कहाँ कहाँ सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमको सेट करना है कॉल स्क्रीन पे, इसको टर्न ऑन कर देंगे और जो ये वाला ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले याद दीजिएगा डिफ़ॉल्ट करना होगा। फिर यहाँ पर चेंज सिस्टम सेटिंग, सेट योर डिवाइस रिंगटोन, आप यहाँ से रिंगटोन भी सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बैक होता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सॉन्ग लगाना चाहें तो आप सॉन्ग भी लगा सकते हैं, बहुत सारे सॉन्ग अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अभी देखो हो सकता है ऐड दिखा है, ऐड को स्किप कर देंगे हम लोग। तो ऐड को स्किप करते हैं हम लोग। ऐसे एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐड आते हैं, सच में यार बहुत ऐड आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर ऐड कट करते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखेंगे फिर से ऐड को कट करने का ऑप्शन देगा। तो हमने ऐड को कट किया इस तरह से। अभी हम यहाँ से बैक होते हैं। अब हमको बस अप्लाई करना होगा, अप्लाई पे क्लिक किया। अब इसको कहाँ सेट करना है, अगर आप थीम पे सेट करना चाहते हैं, यानी वॉलपेपर भी चाहते हैं या वॉलपेपर भी सेट हो जाए और कॉल थीम भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉल थीम पे रखता हूँ अभी के लिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको कॉल थीम पे ही। आप वॉलपेपर क्लिक करते तो वॉलपेपर सेट हो जाता। अब देखिए यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन अब जो हमारा सेट हो चुका है। अब जो हमको कोई नंबर से कॉल करेगा, व्हाट्सएप से नहीं, नंबर से कॉल करेगा, तब जाकर हमको थीम कुछ ऐसा दिखेगा जैसा अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। आपका दिख रहा था ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ से आपको रिसीव करने का, राइट साइड से रिसीव करने का और लेफ्ट से कट करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो इस तरह करके आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके बहुत ही आसानी से एक कूल सा कॉल थीम लगा सकते हैं, ठीक है।